नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे एक गुड मेंटर, एक अच्छे गुरु के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने सुना भी है इस दोहे के बारे में कि गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात कि गुरु और भगवान दोनों लोग खड़े हैं, लेकिन बलिहारी गुरु मतलब गुरु जी मैं आप पर बलिहारी जाऊं कि आपने बता दिया कि भगवान कौन है। तो यहाँ पर गुरु की महिमा को बखान नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पर कि एक गुड मेंटर, एक अच्छा गुरु। तो एक अच्छा गुरु क्या क्या करता है, मेरे पास 8 पॉइंट्स हैं, तो मैं इन पर डिस्कस करूँगी, मैं आपको बताऊँगी इस पर। तो पहला पॉइंट आता है कि एक अच्छा गुरु क्या करता है। एक अच्छा गुरु करता है कि आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में देख करके आपको पुशअप करता है। क्या करता है कि जैसे आप कहीं पर कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो आपको वो कहेगा नहीं आप ये कर सकते हो, जबकि अन्य लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे अरे तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन अच्छा गुरु जो होगा वो आपको हिम्मत बंधाएगा, आपको पुशअप करेगा कि आप कठिन परिस्थिति में होते हुए भी आप ये काम को कर सकते हो। नंबर टू, दूसरी बात आती है कि आपको बेहतर सवालों के साथ आपका मार्गदर्शन करेगा, कुछ आपसे अच्छे सवाल करेगा, आपको अच्छा मार्गदर्शन देगा, आपको अच्छी बातें बताएगा, आपको सही रास्ता बताएगा। नंबर तीसरा पॉइंट आता है इसमें कि निरंतर सुधार की उम्मीद। उसको जो अच्छा गुरु होता है तो वह है कहेगा कि नहीं आप में सुधार होगा, लेकिन जो बुरा गुरु होगा वह कहेगा कि नहीं आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। लेकिन अच्छा गुरु जो होगा वह आपसे कहेगा कि आप में सुधार आएगा, आप में से मुझे निरंतर सुधार की उम्मीद है, यह सुधार आप में होगा, जरूर होगा। फिर अगला पॉइंट आता है आपका कि चौथा पॉइंट कि आपको बड़े सपने देखने की हिम्मत देगा। जो अच्छा गुरु होता है वह अपने छात्रों को, अपने जो उसके फॉलो कर रहे हैं उसको लोग, वह उनको बड़े सपने दिखाएगा, बड़े सपनों देखने की हिम्मत देगा। जब हम कोई बड़ा सपना देखते हैं तब जाकर के हमारी कोई छोटी उम्मीदें पूरी होती हैं। अगर हम और छोटी छोटी सपनों को पूरी करने की अपनी जो कोशिश है, मंजिल है, अब हम उनको पार कर लेते हैं तो हमारे बड़े सपने पूरे होने की भी जो आशा है, उम्मीद है, वह बन जाती है और हम हो सकता है कि हम बड़े सपने भी अपने अचीव कर पाएँ, प्राप्त कर पाएँ। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है कि चुनौती और मान्यताओं को, ये दोनों चीज़ों को भी आपको उस जो गुरु होता है वह आपको चुनौतियों और मान्यताओं के बीच अंतर स्पष्ट करता है, आपको चुनौतियों से लड़ने की कैसे आप उभर पाएँ, कैसे उनको हैंडल करें, इस की भी आपको जानकारी, सुझाव, सलाह देता है, आपको सही रास्ते बताता है। फिर इसमें अगला और जो पॉइंट है वो आता है, वो कहता है कि आप आजीवन छात्र रहें। मतलब कोई भी इंसान हो, इवन मतलब कोई भी, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही बड़ा विद्वान हो, वह निरंतर छात्र रहे। इसका मतलब है कि उसको हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहना चाहिए। मान लीजिए आज के समय में जो मैंने सीख लिया है वह आगे चल करके पुरानी चीज़ हो सकती है, तो हमें उसको अपडेट करते रहना है, अपने आप को सीखते रहना चाहिए, हर व्यक्ति को सीखते रहना चाहिए। यदि वो सीखना बंद कर देता है तो समझ लीजिए कि उसका जीवन भी बंद है। तो जीवन बंद होने से मेरा आशा है कि हम पीछे रह जाएंगे अन्य लोगों की अपेक्षा, क्योंकि आज के तो टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का युग है और निरंतर नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। तो अगर हम ये नई नई चीज़ें नहीं सीखेंगे, नए अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे अन्य लोगों की तुलना में। कई सारी ऐसी चीज़ें आप देखिए, आप लोग कोरोना का पीरियड चल रहा है
तो यहाँ पर आया, जैसे अब गूगल मीट को जिसको जानते नहीं थे, विदेशों में ही लोग उसको जानते थे केवल, और लेकिन आज अपने भारत में भी ये चीज़ आ गई है, कई लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। तो हमें निरंतर सीखते रहना है, नई नई चीज़ों को अप्लाई करते रहना है अपने जीवन में। फिर अगली चीज़ आती है इसमें कि सराहना और आत्मनिर्भरता। जो अच्छा गुरु होता है वह अपने फॉलोअर्स को की हमेशा सराहना करता है, कि अगर छोटी छोटी उनकी उपलब्धियों पर उनकी सराहना करता है, उनको मोटिवेट करता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। जो लोग, चाहे वे अपने माता पिता हो, चाहे वो गुरु हो, जो लोग अपने बच्चों को, अपने फॉलोअर्स को आत्मनिर्भर बनाते हैं, उनसे अच्छा सच्चा इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। यदि हम भी हैं, अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हम काफ़ी सारी चीज़ों में पीछे रह जाएंगे। हम दूसरों का भी मुँह ही ताकते रहेंगे, हम कहेंगे कि ये काम कर देना भाई, भाई मेरा ये काम कर देना। और मान लीजिए उस व्यक्ति ने अगर एक बार काम कर दिया है तो हम दूसरी बार के लिए उस पर और फिर निर्भर हो गए। और मान लीजिए हमने सीखा है नहीं, तो हम मान लीजिए एक टाइम वो आएगा तो अगर कभी वह व्यक्ति हमें, दूसरा व्यक्ति हमें मना भी कर सकता है उस काम के लिए कि मैं नहीं कर रहा हूँ या मुझे टाइम नहीं है या किसी दूसरे से करवा लीजिए। तो इसलिए हमें कुछ चीज़ों में अपने आत्मनिर्भर होना चाहिए। फिर है अगला कि सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आपको सोचना सिखाता है। जो अच्छा गुरु होता है वह आपको सोचना सिखाता है कि सोचें कैसे, और ना कि ये कि क्या सोचना है। समझिए बात को, पॉइंट क्या है कि अच्छा गुरु आपको ये नहीं सिखाता है कि क्या सोचना है, कोई टॉपिक नहीं देता है आपको। जो भी टॉपिक मिला है उस टॉपिक के बारे में कैसे सोचना है। जैसे अगर मान लीजिए चाकू है हमारे पास और एक तो दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं उसका, तो अच्छा जो गुरु होगा जैसे चाकू का, तो जो चाकू है तो उसको सब्जी काटने या फल काटने के लिए उपयोग में ला सकते हैं, तो ये तो अच्छा उपयोग हो गया। और कुछ लोग इसका उपयोग दूसरों को मारने या मान लीजिए व्यक्ति स्वयं को नुकसान पहुंचाने के लिए भी ये उपयोग में ले आता है, तो ये क्या हो गई, ये गलत बात हो गई। तो हमें उसका सही उपयोग करना सीखना है, तो हमें सही और गलत का भी फ़र्क देखना है। तो हमारा जो अच्छा गुरु होता है तो वह हमें सिखाता है कि कैसे सोचना है, कोई भी टॉपिक आ जाए भले ही। तो ये थे अच्छे गुरु के कि अच्छा गुरु क्या कर सिखाता है आपको, क्या करेगा आपके जीवन में, कैसा प्रभाव डालेगा। तो अच्छा गुरु जो जब हमें मिल जाता है तो हमारा जीवन पार हो जाता है। तो हम ये उम्मीद करें कि हमें अच्छा गुरु मिल जाए, इसके बजाय हम खुद भी एक अच्छे गुरु बने इन उपायों को अपनाकर। तो हम अपने छात्रों का जीवन सुधारें, अपने बच्चों का जीवन सुधारें। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी अपने जीवन में अपने बच्चों का जीवन सुधारेंगे अच्छा गुरु बन करके। तो इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, ऐसे ही कोई अच्छा सा बढ़िया टॉपिक लेकर के मैं आऊँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही मैं मोटिवेशनल अच्छे वीडियोस बनाती रहती हूँ। और आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। और वहाँ पर घंटे का आइकन आता है, बेल आइकन आता है, उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें और आप अपने आप वीडियोस को देख सकें। तो अच्छी शुभकामनाओं के साथ, आपका जीवन अच्छा रहे, आप लोग अच्छे खुशियों भरी ज़िंदगी व्यतीत करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।